हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर। रीडिंग हमेशा की तरह से जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। तो आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखना है क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी के लिए मैसेजेस ज़रूर से होते हैं इसमें। और अगर ये वीडियो आपके पास आया है, यूनिवर्स ने आप तक पहुँचाया है, तो बिलीव मी, इस वीडियो में आपके लिए मैसेजेस हैं। रीडिंग में हमने आज मैसेजेस रखे हुए हैं, लव मैसेजेस हैं, इसमें सॉन्ग्स भी हैं आपके पार्टनर की ओर से, जो वो आपको डेडिकेट करते हैं, जो आपको सोच कर सुनते हैं, जो आपको ख्वाबों में भेजते हैं, जो हर वक्त उनके दिमाग में चलते हैं आपको लेकर। इसमें उनकी तरफ से मैसेजेस भी हैं और सॉन्ग्स भी हैं। उनके नाम के इनिशियल्स भी हम चेक करेंगे, उनके इनिशियल्स क्या हैं। ये हैं मैसेजेस, इनको भी हम चेक करेंगे रीडिंग के एंड में। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और चेक करते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। थैंक यू। फ्रेंड्स, उनके मन में आपके लिए पैशन तो बहुत है क्योंकि इस कैंडल की फ्लेम बहुत बहुत ब्राइट है, बहुत हाई है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेम है। आपके पार्टनर की आपके लिए थिंकिंग बहुत हाई है। देखिए यहाँ पर मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, या तो ये लव ट्रायंगल हो सकता है या फिर इस ट्रायंगल में उनकी फैमिली हो सकती है या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा देते हैं और आपके पार्टनर उनसे सलाह मशवरा लेते भी हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी ये बात बचपन से बिठाई गई है कि दो चार लोगों से पूछ कर किया गया काम हमेशा सक्सेसफुल होता है, ऐसा उनको लगता है। उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है। तो सम टाइम जब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं और हाल फिलहाल में उनकी यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ उनके फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिन्होंने आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस वक्त वो उनके साथ नहीं हैं, तो उनके बारे में ही डिस्कशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वो ये भी कहते हैं कि आप दोनों के अंदर पैशन बहुत है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जी जान से समर्पित हो, लेकिन उनके अंदर ईगो है, मेल ईगो, तो आपके अंदर जिद है। दोनों ही अपने अपने इन कमियों को लेकर अक्सर फाइट कर लेते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उनको ये लगता है
इस वक्त की एनर्जी उनकी, उनको ये लगता है कि आप उनको बिना सोचे समझे नाराज हो जाती हो, आप उनकी पूरी बात सुनना नहीं चाहती हो, या अक्सर ऐसा होता है कि आप उनकी पूरी बात को सुने बिना ही रिएक्शन दे देती हो, दुखी हैं। इस टाइम वो एक बहुत मेसमराइजिंग एनर्जी में हैं। उन्होंने आपके साथ कोई मूवी देखी है, उन्होंने पास्ट में या हाल फिलहाल में आपके साथ कोई मूवी देखी है, और उस मूवी का सॉन्ग आप दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ गुनगुनाते हो, गुनगुनाते थे, या फिर एक दूसरे को सेंड करते थे। ये पर्सन उस सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं, और उस सॉन्ग के जो पिक्चराइजेशन थे उसमें वो कहीं ना कहीं आपको और खुद को फील करते हैं। कभी-कभी आपके पर्सन ऐसा भी करते हैं कि उनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली की, उनकी तरफ से आपको एहसास होता है कि ये किसी प्रॉब्लम में हैं, और जब आप पूछती हो तो वो बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करते हैं, बातों को छुपा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्स बहुत स्लो गिर रही है। कुछ बातें वो आपसे छिपा लेते हैं, आपको नहीं बताते हैं। ये बातें उनके फ्रेंड्स की भी हो सकती हैं, उनके वर्क प्लेस की भी हो सकती हैं, उनकी फैमिली की भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली कोई वर्क ज्वाइन किया है, या कहीं जॉब आपने ज्वाइन की है, या आपका कहीं पर ट्रांसफ़र हो गया है, या इस तरह की बात चल रही है, तो आपके पर्सन को भी ये खबर मिल चुकी है किसी न किसी तरीके से, और वो इस बात को पता लगाने में लगे हुए हैं कि सच्चाई क्या है। अक्सर आपके आर्गुमेंट्स टाइम को लेकर होते थे कि आपके पार्टनर आपको समय नहीं देते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं। इस बात पर भी आज उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पर है। आज वो काफ़ी टाइम तक फ्री बैठे थे और फ़ोन को स्क्रॉल कर करके आपकी चैट को पढ़ रहे थे, और बहुत पुरानी चैट जो आप उनसे फाइट करती थी, आप उनसे झगड़ती थी कि आप मुझे वक्त नहीं देते हो, वो चैट को रीड कर रहे थे। उनकी एनर्जी बहुत ही मिसिंग थी, वो आपको बहुत याद कर रहे थे आपकी चैट को पढ़ के। अब उनके पास थोड़ा सा वक्त बचता है। आई थिंक कुछ ऐसा मैनेजमेंट उन्होंने किया है अपने टाइम को लेकर कि अब उनके पास वक्त बचता है, तो वो सोचते हैं कि अब जब वक्त बच रहा है तो लड़ने वाला नहीं है कोई कि मुझे वक्त दो या मेरे लिए समय निकालो। अभी सावन के सोमवार में आपके पर्सन ने आपको बहुत मिस किया था, वो शायद आपको देख भी चुके हैं कहीं किसी मंदिर में। तो गाइस, ये हैं उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जी। अब मैं कैंडल को रखती हूँ। चलिए अब चेक कर लेते हैं क्या रिटेन मैसेजेस हैं और क्या सॉन्ग्स हैं। यू आर पैशनेट एंड रोमांटिक।
यू नो वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर आई नीड, आप जानती हो कि उनको क्या चाहिए और क्या उनकी ज़रूरत है. आई होप यू नोटिस्ड द वे आई फील. देखिए मैंने आपको बताया था ना रीडिंग में कि वो आपको लेकर अभी बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं. समटाइम वो आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं और उनको ये लगता है कि आप तक उनकी वाइब्रेशंस आ रही हैं. तो वही कहना चाह रहे हैं कि आई होप यू नोटिस्ड द वे आई फील. यू आर नॉट वेरी ईजी टू फॉरगेट. आपको भूलना आसान नहीं है उनके लिए. Before you come into my life, I was hopeless, lonely, sad. आप उनकी लाइफ में आई हो उससे पहले, आई हो या आए हो इससे पहले, वो होपलेस थी या थे, उनको उम्मीद नहीं थी लाइफ से, लाइफ उनकी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थी. लोनली थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे और बहुत सैड थे या थी. Sometime you hurt me a lot. Sometime you hurt me a lot. Sometime आप उनको बहुत हर्ट कर देती हो. Oh my goodness, song है, बहुत ही प्यारा song है. मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है या करती है. I let go of worry. वो ये कह रहे हैं कि जितनी चिंताएं उनको परेशान कर रही हैं वो उन चिंताओं को let go कर रहे हैं. जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा उनका सोचना है. I will never let you down or hurt you in any way. वो आपको कभी नीचा नहीं दिखा सकते हैं और ना ही कभी आपको hurt कर सकते हैं. इसमें से एक दो messages और ले लेती हूँ. आखिर सॉन्ग्स देखते हैं क्या हैं. एक सॉन्ग आया है, एक और है जो तू मेरा हमदर्द है. ये सॉन्ग है उनकी ओर से. तो आपके लिए दो सॉन्ग निकल कर आए हैं, मुझे कैसे पता ना चला और तू मेरा हमदर्द है. चलिए अब यहाँ से चेक कर लेते हैं यहाँ से वो आपको क्या बोलना चाहते हैं या चाहती हैं. ओ माय गॉडनेस, उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली है. बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी उलझन में है, नहीं आप तक उनकी बात पहुंच पा रही है. क्योंकि कार्ड्स जिस तरीके से सफल हो रहे हैं उनकी एनर्जी समझ में आ रही है. आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड नोइंग यू. वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं या चाहती हैं. यू मेक माई हार्ट स्माइल. चूज़ ए पार्टनर हु इज़ गुड फॉर यू, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर योर इमेज, नॉट गुड फॉर बैंक अकाउंट. चूज़ समवन हु गोइंग टू मेक योर लाइफ इमोशनली फुलफिलिंग. Life is better with you. May the love you share today grow stronger as you grow old together. ये है उनका मैसेज. और अब यहाँ पर हम उनकी तरफ से कुछ इनिशियल्स भी चेक कर देते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या हैं. थोड़े से और ले लेती हूँ. उनके इनिशियल्स एफ जी. उनका नाम जीतू हो सकता है, फरहान, फातिमा, ई गीता हो सकता है,
कृष्ण हो सकता है, जे के हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, ओ बी एन, किशन हो सकता है, दिनेश हो सकता है, जेड एंडी, गीता, विनोद, सहवाज, शमीर, कुछ भी हो सकता है। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो गाइस ये है रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू आपका प्रीसियस टाइम देने के लिए, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच इस सोल फैमिली को और बिग बनाने के लिए। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।